हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, टाटा की कंपनी है और जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है टाइटन। टाइटन के खूब सारे घड़ी हैं लेकिन मेनली हम जो जानते हैं घड़ी के नाम से टाइटन को जानते हैं, लेकिन टाइटन के अंदर ही आता है तनिष्क। तनिष्क आपको पता है ज्वेलरी के सेक्टर में काम करता है, खूब सारे ज्वेलरी बनाता है। मोर देन 70% रेवेन्यू, जो अराउंड 73% डेटा एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो कि तनिष्क से आता है, बाकी वॉच से आते हैं। ये अपने आप को अपडेट किए और आने वाले टाइम में अच्छा कर भी रहे हैं। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में हम जानेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो मेरे साथ। आइए चलते हैं रिकॉर्डर पर। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टाइटन। टाइटन आखिर इतना फेमस कैसे हो गया, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है टाइटन, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, टाइटन के कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए स्क्रीन पे मैंने ला रखे हैं। सबसे पहले कुछ इसके प्रोडक्ट्स वगैरह जानेंगे और जानेंगे क्या ये प्रोडक्ट्स रियलिटी में फेमस हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइटन वॉच, फास्ट ट्रैक वॉच, सोनाटा वॉच, ये दिस इज कॉल्ड द जूप, इसको बोलते हैं स्क्विन, जिसको बोलते हैं तनिष्क, आपको पता है ये भी इन्हीं का है, टाइटन का तनिष्क ज्वेलरी। अब और डिस्कस करेंगे इसका लेन, टाइटन रागा, ये है इसका डिफरेंट जोया, इसका डिस्कस करेंगे SF, और ये है ऑक्टेन। ये इनके कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं टाइटन के। टाइटन आपको पता है नामी ग्रामी कंपनी है, BSE में लिस्टेड है, और इसके कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो कंपनी जो है अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक कंपनी का ये आया है कि ओवरव्यू अगर हम देखेंगे, ये फिलोसफी देखेंगे, मिशन देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, तो ये कुछ वैल्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे टाइटन दो दो इसके वॉच हो गए, ये इसकी वैल्यू मिल गई हमारे सामने कि ये टाइटन वॉच के बारे में ये हमें डिस्कस हो रहा है। ये अगर हम डिस्कस करें कि इसमें और क्या क्या है टाइटन के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि किस 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 के साथ इनके साथ जॉइंट वेंचर है, अभी पेज खुल नहीं रहा है। और हम डिस्कस करेंगे टाटा ग्रुप के साथ भी इनका है, देखिए एक नाम है, ग्रुप है, उनके साथ ही इनका आइकनिक एक ब्रांड है, जिनको पता है कि एक अच्छी बात है। एक अब डिस्कस करेंगे हेरिटेज की बात करेंगे, तो इनके पास मतलब सालों से एक काम करते आ रहे हैं और एक मतलब ज़माना हो गया इनको घड़ियाँ बनाते समय, और थोड़े थोड़े ये अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और भी हम सारी चीज़ें जानेंगे और जानेंगे क्या है खास इस कंपनी के बारे में। तो उससे पहले क्या है मेन एजेंडा इस कंपनी का, उसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो है इंडिया मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइफ स्टाइल कंपनी है, जो कि टाटा, टाइटन, इस सारी ही नामी ग्रामी कंपनियाँ हैं। लीडरशिप पोजिशन है वॉच में, ज्वेलरी में, आई वियर में, लेड बाई द ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड डिफ्रेंशिएटेड बाई द कस्टमर एक्सपीरियंस। ये फाउंड हुआ था, थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बारे में। ये जो कंपनी जो है फाउंड हुई थी ये इन द ईयर 1984 में, जॉइंट वेंचर मिला टाटा ग्रुप और इसके एक तमिलनाडु जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये दोनों के वेंचर से ये कंपनी सेटअप हुई। मगर डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, जो हम साफ साफ डिस्कस कर सकते हैं कि एक कंपनी जो है ज्वेलरी बनाती है और ज्वेलरी बना के जो रेवेन्यू जो इकट्ठा कर रही है, जो 83% कर रही है। बहुत लोगों को पता शायद नहीं होता है कि वो जानते हैं कि टाइटन का मतलब केवल घड़ी, ये बिल्कुल गलत है। टाइटन मोस्टली जो अपना इनकम जनरेट करती है, जो इनका सोर्स है, वो इनका सोर्स है एक कंपनी जिसका नाम है आपको पता है तनिष्क, जो कि ये कुछ सब्सटेंस बनाती है। तनिष्क, अच्छा, जुआ, मिया और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो लोकेट है आपको पता है सिक्किम में है, पटन नगर, अंदर डिवीजन स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है, मोर देन 500 रिटेल स्टोर इनके इंडिया में है, और जो कंपनी के पास मोर देन 72.3% इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप ये इजिली हम देख सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में जो हम देख रहे हैं, ये जो कंपनी जो है, ये जो वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्ज वॉच प्लेयर है डोमेस्टिक मार्केट में,
यहाँ से 13% जनरेट करते हैं रेवेन्यू। इनके खुद अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं, जैसे टाइटन हो गया, फास्ट्रैक हो गया, सोनेटा हो गया, ये इस सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। इनके साथ वेंचर है, आप देख रहे हैं कि लाइसेंस है सेवरल इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि टोमी है ना, हाई फिगर पुलिस एंड द एनी कैलिन एंड द कोला एंड द कोक एंड इट्स प्रोडक्ट वॉचेस जो फैसिलिट करते हैं हॉसर एंड द कॉम्बिट्योर में सिचुएटेड होता है एक रूड की सिक्किम एंड द पतन नगर। ये ओन करता है मोर देन इतना रिटेल स्टॉक जो कि पूरे इंडिया में है। वॉचेज जो प्रेजेंट हैं मोर देन 7,000 डीलर MBO अक्रॉस द नेशन। एक ही अच्छी चीज़ है इसके लिए, इस कंपनी के लिए। अब जो रेस्ट जो डिवीजन जो है, पहले तो तनिष्क ज्वेलरी वगैरह से मिल गए, बाकी जो पैसा ये कमाती है कंपनी, ये कमाती है हम देख सकते हैं कि ये आई वीयर डिवीजन से भी पैसा कंपनी कमाती है। द कंपनी ऑपरेट इंडिया लार्जेस्ट ऑप्टिकल रिटेल चैन, हम देख रहे हैं इसके पास सेवरल आई वीयर ब्रांड भी है जैसे टाइटन, फास्ट्रैक, ये अलग अलग ब्रांड हैं। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करती है ये फ्रेम एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द लेंसेस लोकेटेड एट द कर्नाटका। ये ऑपरेट करती है मोर देन 570 रिटेल आई अक्रॉस इंडिया, आप देख रहे हैं इतना स्टोर हैं। इनके पास 1% का रेवेन्यू कंपनी जो है जनरेट करती है। कंपनी के पास स्मॉल प्रेजेंस है ये मार्केट में थ्रू द ब्रांड स्क्रीन हुज परफ्यूम थोड़ा सा बड़ा फेमस है। तो ये सब सारी कंपनियां जो भी हमने देखा कि कंपनियां एक तो आई डिवीजन में भी है, कंपनियां ज्वेलरी में है, कंपनियां टाइटन वॉच बनाती है और मैक्सिमम प्रॉफिट इन तीन सेगमेंट से कंपनी कमाती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के कुछ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें इस कंपनी का जो मार्केट कैप है जो दिख रहा है 1,58,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मतलब वेल नोन ब्रांड है, वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, लार्ज कैप में आती है। करंट प्राइस इस कंपनी का है 1,1789 रुपीज़। इस कंपनी का जो लो गया है वो गया है 1,40,800 रुपीज़ और आप डिस्कस करेंगे हाई गया है 1,08,59। ये इसका जो देखेंगे ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इसका डिविडेंड जो इस कंपनी का है 0.02% है। बुक वैल्यू अगर देखेंगे कल कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 84.4। और इस कंपनी का जो ROC देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि एक जो गोल्ड जिस रेशियो से बढ़ता है इसकी प्राइस, उससे 2-3% आगे है, जिसका हम डिस्कस कर सकते हैं कि 13.6 मतलब 14% हम इसको मान सकते हैं। एक चीज़ डिस्कस करेंगे ROCE कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि है 13%। पैग रेशियो इस कंपनी का अगर हम डिस्कस करें जो कि है 17.1%। डेट इस कंपनी का बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पता है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का जो है 0.75, जो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। और हम डिस्कस कर सकते हैं कि ओवर थ्री ईयर इसका जो रिटर्न ओवर थ्री ईयर जो है जो कि 25% है, ये हम इजीली इसमें से देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो हम ये बोल सकते हैं इस कंपनी के पास अभी तक का जो मैक्सिमम जो हमें ये गया है पैसा, एक देख सकते हैं ये वाला कि इसमें मिनिमम ये है मिनिमम 2006, और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ते चला गया उनके स्टॉक्स एक बुलंदियों पे चलते चले गए। तो एक ये अच्छी बात है हम देख सकते हैं कि एक ये अच्छी चीज़ है जो कि हम इसको फेवर भी करते हैं। एक अच्छी चीज़ देखें कि ये वैल्यू जो है अगर हम 5 ईयर में देखें इसको, तो 5 ईयर में भी इसके जो सेल्स हैं ये जो वैल्यू जो सेल्स की वैल्यू है ये इंक्रीज़ करने वाली है। इसकी जो प्रॉफिट होगी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करेगी और ग्रोथ भी इस कंपनी का इंक्रीज़ करने वाला है 5 ईयर में। अगर डिस्कस करें हम 3 ईयर में कितना होगा, तो 3 ईयर में हमने देखा तभी कंपनी के पास अच्छा ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है जो कि एक अच्छा गुड इंडिकेशन है, हम इसको देख सकते हैं। 1 ईयर में देखें कंपनी ने यहाँ भी स्टॉक्स में अपने देखिए प्राइस को बिल्कुल एक शार्प टर्न में इन्होंने इंक्रीज कराया है। अगर हम देखें इसके पहले भी अगर हम डिस्कस करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी वैल्यू जो है शार्प टाइम मैनी टाइम्स इंक्रीज कर चुकी है।
सबसे अच्छी चीज़ें जो हमें देखने के लिए ज़रूरी है, हम देखेंगे आखिर इस कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ क्या है अभी तक का। तो जो देखिए मेरे को जो लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कंपनी एक वेल नोन ब्रांड है और इसका विजन, इसका मिशन बिल्कुल क्लियर है। इसके तीन चार सेगमेंट हैं, ये घड़ी हो गई, आजकल नए नए प्रोडक्ट भी इनोवेट करके मार्केट में ला रहे हैं, उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में इस कंपनी का क्वार्टर अच्छा है, हमने देखा कि क्वार्टर अच्छा है और ये जो कंपनी जो है डिविडेंड अच्छा दे रही है, तो कंपनी के पास जो डिविडेंड दे रही है एक अच्छी वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी दे रही है। कंपनी जो है जो ट्रेड हो रही है 21.9 टाइम्स का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 22 टाइम्स ये कंपनी जो है ट्रेड हो रही है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि कंपनी के पास क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, तो डिस्कस कर सकते हैं 2018 में इसका जो सेल हुआ वो हुआ 4,567 करोड़ का हुआ, और यहाँ डिस्कस कर सकते हैं 3,473 रुपीज़ का यहाँ पे मार्केट प्राइस हुआ। यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये है 4,712 करोड़ का इनका मार्केट प्राइस इस टाइम का है। अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये आप देखिए 612 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट है। इस टाइम अगर हम डिस्कस करें 758 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट है। ये सब डेटा हम इजीली देख सकते हैं जो कि एक कंपनी के पास अच्छा इनकम हमें दिख रहा है। चलिए अगला जो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम कर रहे हैं, एक हम ये कर रहे हैं कि इसका अदर इनकम अगर हम देखेंगे तो 28 और ये 56, ये 57 इनकी वैल्यू आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे जो हमें वैल्यू दिख रही है 439 करोड़, फिर उसके बाद से अगले साल इसका है 600 करोड़, फिर उसके अगले साल इसके पास है 600 और ये वैल्यू है 519 448, और यहाँ पे 741 करोड़ ये वैल्यू इनके पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इनके पास वैल्यू है। अगर हम इस पास ईपीएस की वैल्यू देखेंगे तो ईपीएस इस कंपनी का जो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा वो है पर शेयर 3.4 करोड़, 4.65 करोड़, और ये जो वैल्यू मैनी टाइम्स इस कंपनी की बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर हम डिस्कस करें कि इसका पीएल स्टेटमेंट कैसा है, क्या है खास, ये भी डिस्कस कर लें। इसका पीएल स्टेटमेंट एक चीज़ बिल्कुल खास है कि कंपनी ने 2010 में जितना का सेल किया है उसकी वैल्यू है 4,777 करोड़ का। इसके नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने सेल इंक्रीज किया 6,533 करोड़ का, और 12 में इंक्रीज किया 8,848 करोड़ का, और 13 में 10,123 करोड़ का, 14th में डिस्कस करें 10,927 करोड़ का। तो हम देख क्या रहे हैं कि इनकी वैल्यू जो है हर साल देखिए कितने टाइम्स इनकी वैल्यू बढ़ रही है। ये होता है इनकी सेल्स की कैपेसिटी, ये होता है एक अच्छा मैनेजमेंट, एक ये अच्छा होता है कि वेल डिसिप्लिन एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें अगर किसी कंपनी में हो तो सक्सेस कंपनी को ज़रूर मिलता है, ये हम देख सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके एक्सपेंसेस देखें तो इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी बिल्कुल इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका देखें कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी के पास है 323 करोड़ है। उसके बाद जो हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना है 603 करोड़ है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट अगर हम कंपनी में देख रहे हैं ये वैल्यू शार्पली 840 है, 1006 है, 1010 है, 1049 है, 600, 868 है, 973 है, 1530, 1957, 2102, 1327, 1700, इतनी वैल्यू इस कंपनी के पास मिल रही है। टैक्सेस से कंपनी पे कर रही है ये भी हम देख रहे हैं। ईपीएस आपके पास दिखा जा रहा है। इसके पास अगर हम एक चीज़ देखें कि डिविडेंड पे आउट कितना है, तो जो हमें इजीली दिख रहा है कि ये है 26 हमें दिख रहा है, ये 13%, 29%, 32% इसका अच्छा डिविडेंड पे आउट हमारे पास कंपनी में दिख रहा है। इसका अगर 5 ईयर में जो प्रॉफिट हम देखें, आरओई देखें 21% है, 3 ईयर में देखें 20% है,
और ये इसकी वैल्यू है आपके पास 24% इसकी आरओई की वैल्यू है। इसका अगर देखेंगे सीएजीआर कितना है, 24% है, 5 ईयर में 35 है, ए यहाँ पे 69 है, ए वैल्यू भी हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा हुआ है तो ये 13% है, ये 14% है, ये 3 ईयर है और ये वाली आपके पास वैल्यू हमें इजीली नोन है, ये हम देख पा रहे हैं। अगर कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो ये 8%, 7%, ये वाली वैल्यू अलग अलग आ रही है। मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल डन है कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल बढ़े जा रही है, सेल्स बढ़े जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनके थोड़े से ठीक हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्या कंपनी कितना परसेंट अपना इंटरेस्ट पर एनम बढ़ा रही है या घटा रही है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि शेयर कैपिटल इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो शेयर कैपिटल इस कंपनी का हमें साफ साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है, शेयर कैपिटल इस कंपनी का इंक्रीज है जो कि है 89। रिजर्व इस कंपनी का इंक्रीज या डिक्रीज है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। रिजर्व इस कंपनी का है, देखिए टाइम द टाइम इस कंपनी का रिजर्व बिल्कुल ही बढ़ रहा है जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वैल्यू एक डिसेंट वैल्यू है। इस कंपनी की बोरोइंग जो कि एक अच्छा ब्रांड है, रिवॉन ब्रांड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ये जो बोरोइंग है वो भी फ्लक्चुएट हो रही है। अब अगर देखेंगे फिक्स एसेट, ये जो फिक्स एसेट जो है 2523 है। इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे ये वैल्यू भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका जो टोटल जो एसेट जो है इस कंपनी के बारे में जो हम देख रहे हैं जो है 16,144, फिर उसके पहले है 13,554 और इसके पहले जो वैल्यू जो है टोटल एसेट इस कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मतलब टोटल एसेट इस कंपनी की अगर बात करें ये वैल्यू बढ़ रही है, और हम डिस्कस करें इसका शेयर कैपिटल भी इस कंपनी का बढ़ रहा है और बोरोइंग इस कंपनी की घट रही है, जो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को लग रही है। देखिए अगर आप 2010 और 2014 को कंपेयर करेंगे या 2010 या 2017 को किसी भी ईयर में कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कंपनी जो है बड़ी है, कंपनी घटी नहीं है। एक चीज़ देखेंगे कि अगर इसका टोटल एसेट देखिए और इसका टोटल एसेट देखिए, ये टोटल एसेट देखिए, ये वैल्यू इस कंपनी में बिल्कुल फ्लक्चुएट होके इंक्रीज कर रही है, जो कि एक अच्छा आप सोर्स मान सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर ईयर, जो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। मतलब शेयर कैपिटल इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, ये हम इजीली देख सकते हैं। रिजर्व आपको देखा जाए तो रिजर्व भी इस कंपनी का बढ़ रहा है, इस कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, इस कंपनी के जो वैल्यू है 108 है, ये हम इजीली देख सकते हैं। एक चीज़ डिस्कस करें कि आखिर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी पैसा कमाती है, तो ये जो डिस्कस हम कर सकते हैं कि कंपनी आप देख रहे हैं कि 2010 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो एक पैसा कमा रही है, ये कमा रही है 342 करोड़, 11 में कमा रही है 1053 करोड़, 12 में कमा रही है 163 करोड़, और आप इजीली देख पा रहे हैं कि एक पैसे कमा रही है 13 में 553 करोड़, और आप देखेंगे मार्च में कमा रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, 15 में इसकी वैल्यू जो है 503 करोड़ है, और 16 में ये वैल्यू बढ़ती हुई, 17 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, 18 में थोड़ा सा नुकसान हुआ, 19 में वैल्यू गया, 20 में नुकसान शट डाउन क्योंकि कोविड, और 21 में 4139 की ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रखा है कंपनी ने। अगर हम देखें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या इसको फ़ायदा होता है, तो ये सवाल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी इस कंपनी को प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी इसको कंपनी को फ़ायदा है। नेट फ्लो अगर देखें, नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इस कंपनी की, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें, कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छा इंडिकेशन हम मान सकते हैं, जो एक अच्छा इंडिकेशन हमें दिख भी रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है ये भी एक वैल्यू है, नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी का, जो एक गुड इंडिकेशन हम इसको बोल सकते हैं।
ये वैल्यू हमारे पास दिख रही है। अगर हम आरओसी ही देखें, आरओसी का मतलब हमें सबको पता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कंपनी का इस केस में 46% है, ये 69% है, 62% है, तो ये वैल्यू मोर देन 24-25% है। जो वैल्यू हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ इसकी बढ़ने वाली है। अब इसका टर्नओवर देखें जो कि 2 टाइम्स में अच्छा टर्नओवर इन्होंने किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनका होल्डिंग पैटर्न, क्या ये कंपनी अच्छा करेगी या क्या ये और अपने आने वाले टाइम में क्या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस कंपनी का 2018 में जो शेयर पैटर्न था वो था 52.91% और आज भी है 52.90%, मतलब 0.01% थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपना जो शेयर पैटर्न इन्होंने इनका जो है जो इनका प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग थ्रू आउट द ईयर सेम है। प्रमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग थ्रू आउट द ईयर जो है सेम है। आपको चीज़ दिख रहा है आपको ध्यान से, इसका जो FII जो है ये है आपके पास 19.50 और यहाँ पे 18.1, तो प्रमोटर होल्डिंग ने भी 0.1% अपने स्टैक्स में डिक्रीज किया है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का भी स्टैक जो है, प्रमोटर होल्डिंग का जो स्टैक्स है ये भी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रीवियस साल थोड़ा सा इनका कम है, ये भी हम इजीली देख सकते हैं जो एक इंडिकेट कर रहा है इनके बैलेंस शीट में। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा 0.01% ये डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम DIH की वैल्यू बात करें तो ये भी थोड़ा सा डिक्रीज इनका भी किया है। ये डिक्रीज किस कारण हुआ है, क्योंकि हो सकता है लोगों ने पैसे उस टाइम स्टॉक्स मार्केट से निकाले हों, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कम हुआ हो। अगर हम देखें इसका पब्लिक से तो पब्लिक का जो पैसा जो है ये भी अराउंड 19-20% होता है, जो कि घटता बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हमें देखना है कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, जो हमने देखा अभी हम देखेंगे कि आखिर इसका क्रिस्टल रेटिंग कैसा है। तो देखिए मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि जो कंपनियाँ होती है एमएनसी जो कंपनियाँ हैं वो जो बॉन्ड ऑफर करती हैं, बॉन्ड ऑफर करेंगी तो क्या होगा, एक साइड हमारे पास बैंक है, एक साइड कस्टमर है, एक साइड एमएनसी कंपनी है। तो अगर ये पैसे इससे लेते हैं, ये इसको देते हैं, ये इसको लेते हैं, ये इसको देते हैं, बीच में कुछ इनको प्रॉफिट होता है। अगर ये ख़त्म हो जाए और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दें तो दोनों को 3-3% का फ़ायदा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। तो अगर हम इजीली देख सकते हैं कि जो कंपनी जो है आपके पास टाइटन, इसके पास अच्छी वेल स्टेबल मार्केट वैल्यू है, मतलब टाइटन के पास जो मार्केट है वो वेल स्टेबल मार्केट है, जो हम इजीली देख सकते हैं। और क्रिस्टल की एक रेटिंग है, रेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी 2016 में ये मुंबई में ये रेटिंग रेशनलाइज भी हुई, जिससे हमें इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपनी जो है स्टेबल है या क्या इसका फाइनेंशियल एक्टिविटी है, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एक बार और हम डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट इसके देखे हैं और इनके जो अलग अलग जो ब्रांड देखे हैं, ये जो है अलग अलग ब्रांड, ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी हमने देखा है, जो कि आपको पता, ये टाइटन आपको पता है ये भी ए है ना गिफ्टिंग, ये इन्वेस्टर मीडिया सस्टेनेबिलिटी की ए हर टाइप से ऐसे काम करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी बिकॉज VR, ये देखिए ये प्लांट्स वगैरह लगाना, ये कुछ अलग अलग प्रोग्राम लगाना। पर आपको पता है ये रतन टाटा जी का वेंचर वाली कंपनी है, तो कुछ तो अच्छा काम होने वाला है ही। ये सारी चीज़ें इस कंपनी को यूनिक बनाती है। तो अगर आप अगर समराइज इस कंपनी को करें तो नाम हम सब ने सुना है, लेकिन कुछ ब्रांड जो बनाती है जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था, ऐसा हो सकता है आपको पता है कि ज्वेलरी डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा पैसे ये कंपनी कमाती है, जिसका टर्नओवर 83% है। वॉच डिवीजन से 30% है, वीयर जो डिवीजन है इससे 3% है, अदर से 1% है,
इसका डिवीजन मार्केट कैप हमें पता है, डेट पता है, आरओसी पता है, आरओई पता है, फेस वैल्यू पता है, ये सब चीज़ें हम इसको इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका टर्नओवर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी सेल्स कितनी है, इसकी पैक वैल्यू कितनी है, डिप्रिसिएशन कितना है, नेट इसकी प्रॉफिट कितनी है, टैक्स कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इजीली देखा। और जो एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी भी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी हम लोगों ने इजीली चेक किया कि कितना का प्रॉफिट होता है, कितना का लॉस होता है, कितना ये कंपनियाँ करती है, इसका अदर इनकम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का कितना है, ये सब ने भी हमने जाना और डिस्कस किया कि इसका बैलेंस शीट कितना है, कैसे कैसे कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ एक्यूमुलेट किया है। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और आने वाले टाइम में इससे ऐसी ऐसी जो कंटेंट वाले जो वीडियो हैं जो कि अच्छी कंपनियों के हैं आपके साथ शेयर करेंगे। उससे मतलब ये है कि आपको जो एक सटीक जो अच्छी चीज़ें हैं उस कंपनियों के बारे में आपको पता चले, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उनके ऑर्गेनाइजेशन कैसी है पता चले, उनको जितने भी इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं कितना मार्केट कैप है, ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे तो खुद एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन जाएंगे। आपको पता है जब तक कोई बंदा फ्लैक्सीबल ना हो, वैसे कोई कंपनी अगर फ्लैक्सीबल ना हो, जब तक कोई बंदा अपने आप को अपग्रेड ना करे, वैसे ही कोई कंपनी अपने आप को अपग्रेड ना करे तो सक्सेस का रास्ता थोड़ा सा कम होता है। ये चीज़ है टाटा कंपनियों में, जो टाइटन ने अपने आप को इन्होंने अपग्रेड किया। जो एक क्लासिकल वॉच आती थी, ट्रेडिशनल वॉच आती थी, ये आप स्पोर्टी लुक में आए, अलग अलग सेक्टर बच्चों के लिए भी घड़ी बनाए और आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ये कुछ काम कर रहे हैं, ये है खासियत। हमेशा की तरह अगर आपको टाइटल पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।